प्रश्न संख्या सात, सात में वो क्या कहता है, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। अब गोले से क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है, तो गोले का आयतन बटा क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। गोले के आयतन में एक शंकु के आयतन का भाग लगा दो, गोलों की शंकुओं की संख्या आ जाएगी। यहां देखो, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जो है वो है 9 सेमी, ये 9 सेमी, और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो है वो है 3 सेमी, और शंकु की ऊंचाई जो है वो है 6 सेमी। ये इस गोले को पिघला करके, ये इस गोले, ये 9 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके ये शंकु बनाना, ये कितने ऐसे शंकु, कितना शंकु बनेगा ये ऐसे बताना आपको, यहां पर ऐसे कितने शंकु बनेंगे इसे, ये जिसकी एक शंकु त्रिज्या जकी है वो तो कितनी है, 3 सेमी है, ये 3 सेमी, और ऊंचाई कितनी यहां पर, ये 6 सेमी। लिख लो शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या बराबर का चिन्ह गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन। गोले के आयतन में एक शंकु के आयतन का भाग लगा दो। अब बताओ गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, भाग का चिन्ह, बट्टा का मतलब होता है भाग, और एक शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन। अब सवाल कर दो, 4/3 गुणा का चिन्ह, 22/7 गुणा का चिन्ह आर, 9 × 9 × 9 भाग का चिन्ह, 1/3 गुणा का चिन्ह, 22/7 गुणा आर, 3 × 3 × अब इस भाग को गुणा बदल दो, गुणा बदलो, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 9 × 9 × 9 गुणा का चिन्ह। जब भाग को गुणा बदलेंगे संख्या बदल जाएगी, 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, गुणा का चिन्ह 7/22 गुणा का चिन्ह, 1/3 गुणा का चिन्ह, 1/3 गुणा का चिन्ह, 1/6। अब काट दो, ये और ये कट कट गया, 3 से ये 3 कट गया, काटो, 3 × 3 3 × 3 = 9 3 × 3 3 × 2 = 6 2 से काट दो 2 × 2 2 × 2 = 4 3 × 3 3 × 3 = 9 अब ऊपर देखो क्या रहा, 2 × 3 6 × 6 = 54 54 शंकु जो है बनेंगे। इससे 54 शंकु बनाए जा सकते, तो गोले की त्रिज्या आपको 9 सेमी दी हुई है, शंकु की त्रिज्या जो है वो 3 सेमी दी हुई है, शंकु की ऊंचाई जो है वो 6 सेमी है। केवल आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, शंकु बनाना है तो शंकुओं की आपको संख्या ज्ञात करनी होगी, तो गोले से शंकु बन रहा है इसीलिए गोले का आयतन बट्टा क्या हो जाएगा, एक शंकु का आयतन हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर की क्यूब, भाग का चिन्ह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लिख दो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 9 × 9 × 9 भाग का चिन्ह 1/3 गुणा 22/7 गुणा 3 × 3 × 6 अब इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये जो संख्या जो होती है, भाग वाली जो संख्या जो होती है वो बदल जाती है, अंश नीचे आता है, हर ऊपर चला जाता है, 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, 1/3 1/3 और 1/6 काट देंगे, 54 शंकु जो है बनाए जा सकते हैं। आठवां प्रश्न क्या कहता है, 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं। 10 सेमी त्रिज्या का जो गोला है, 10 सेमी धातु के त्रिज्या वाले गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार बनने वाले प्रत्येक गोले का प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात हो। अब 10 सेमी त्रिज्या का गोला एक बड़ा गोला है,
10 सेमी त्रिज्या और मौल एक बहुत बड़ा गोला है, उसे समान त्रिज्या के 8 गोले बनाने, उसी एक गोले से 8 गोले बनाने समान त्रिज्या के। अब समान त्रिज्या कितनी होगी, समान त्रिज्या के उस 8 गोलों से कितने जो है समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते, उस प्रकार बनने वाले प्रत्येक गोले का यानी एक गोले का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो गोले की त्रिज्या जो है वो 10 सेमी है, ये 10 सेमी। अब देखो सामने ये 10 सेमी त्रिज्या का गोला है, ये 10 सेमी। अब इस गोले को पिघला करके 8 गोला बनाना है, इस गोले को पिघला करके समान त्रिज्या के 8 गोले बनाओ। देखो यहां पर एक गोला ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? पहले आपको इस गोले की त्रिज्या ज्ञात, इस प्रकार बनने वाले प्रत्येक गोला यानी एक गोले का क्षेत्रफल ज्ञात, इसका आपको एक गोले का क्षेत्रफल ज्ञात रहे। तो इस बड़े गोले का जो आयतन है वो क्या हो रहा है, 8 गोलों की आयतन के बराबर हो रहा है। तो बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन, लिख दो आप यहां, लिखो प्रश्नानुसार ये बराबर का चिन्ह, बड़े गोले का आयतन बराबर 8 छोटे गोलों का आयतन, 8 छोटे गोलों का आयतन। अब ऊपर देख लो, माना कि छोटे गोले की त्रिज्या, माना कि छोटे गोले की त्रिज्या जो है बड़ा आर मान लो, R1 मान लो, R2 मान लो, या R मान लो, माना कि छोटे गोले की जो त्रिज्या जो है वो कितनी है, R है। अब बड़े गोले का जो आयतन जो है वो 8 छोटे गोलों के आयतन के बराबर है। हल करो, 4/3 × 4πr³ बराबर का चिन्ह 8 और 4/3πr³ ये बड़े गोले का आयतन है और ये छोटे गोले का आयतन है, ये 8 गोलों का आयतन है, बड़े गोले के आयतन के बराबर 8 छोटे गोलों का आयतन है। हल कर दो, 4/3 × 22/7 × 10 × 10 × ये 10 बराबर का चिन्ह 8 × 4/3 × r से क्या है, r की ये 22/7 × r की ये क्यों, ये बड़े गोले का आयतन है और ये 8 छोटे गोलों का आयतन। अब r की क्यूब को बाहर निकाल दो, r की क्यूब कितना होगा, 1/8 × 3 3/4 × 7/22 × और 4/3 × 22/7 × 10 × 10 × 10 ये 1/8 × 3/4 × 7/22 × 3/4 × 22/7 आप काट दो। देखो ये संख्या और ये से कट गई और ये कट गया, काटो 4 × 8 5 × 10 और काटो 2 × 4 2×5 = 10 फिर काटो 2 × 2 2×5 = 10 तो r³ का मान कितना हुआ, 125। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 125 का घनमूल। तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 सेमी, ये छोटे गोले की त्रिज्या होगी, 5 सेमी के त्रिज्या वाले 8 गोले बनेंगे ये। अब आप लो गोले का क्षेत्रफल अब वो कह रहे हैं प्रत्येक गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार बनने वाले प्रत्येक गोले का क्षेत्रफल लिख दो, क्या होता है 4πr है, इसको हल कर दो, 4 × 22/7 × कितना हुआ, 5 × ये 5 काट दो, करते नहीं है, 5 को 5 से गुणा करो 25, 25 को 4 से गुणा करो 100 से गुणा करो कितना आएगा, 2200 / कितना हुआ ये 7, भाग लगा दो
22 और 7 का भाग लगा दो, 7 तेरी 21, 3 का 3 1, 7 एकम 7 1 और 3 7 चौका 28, 4 और 2 का 2 0.0, 7 दूनी 14, 314.2 सेमी का स्क्वायर। ये प्रत्येक गोले का क्षेत्रफल आ गया। ये तो ये प्रत्येक यानी एक गोले का यानी 8 गोला, इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा 314.2, इसका भी 314.2, इसका भी 3, सबका मतलब बराबर क्षेत्रफल आ जाएगा। उस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लिख लो गोले की त्रिज्या, यानी देखो प्रश्न को समझिए पहले, क्या कहता है कि 8-10 सेमी त्रिज्या एक गोला है, 10 सेमी त्रिज्या का एक गोला है, उसको पिघलाकर 8 समान त्रिज्या के गोले बनाए जा सकते हैं। एक मान लो मोटा गोला पानी से भरा हुआ है, अब उसके अंदर उस बड़े गोले का जो पानी भरा हुआ है उसको छोटे छोटे 8 गोला में डालेंगे। इसका मतलब जो बड़े गोले का जो आयतन था वो कौन ले रहा है, 8 छोटे गोले ले रहा है। अब उस 8 छोटे गोलों की त्रिज्या कितनी होगी, 8 छोटे गोलों की त्रिज्या जो है वो 5 सेमी होगी। अब इस 8 गोलों में से प्रत्येक गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 314.2 वर्ग सेमी होगा। तो लिख लो गोले की त्रिज्या बराबर 10 सेमी, और माना कि छोटे गोले की त्रिज्या जो है आर मान लो, बल्कि आर वन मान लो, आर टू मान लो, आर थ्री मान लो, आर फोर मान लो, बड़ा आर मान लो, छोटा आर मान, कोई मान सकते हैं आप। प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन बराबर का चिन्ह 8 छोटे गोलों का आयतन, क्योंकि बड़े गोले को पिघला करके 8 छोटे गोलों का आयतन हो रहा है, तो इसीलिए आपके सामने यहाँ पर 8 गोलों का आयतन बन गया। लिख दो अब ये एक बड़े गोले का आयतन है और ये 8 गोलों का आयतन है। लिख दो 4/3 × 22/7 × 10 × 10 × 10 बराबर 8 × 4/3 × 22/7 × 8³। अब इस आर की क्यू को बाहर निकालेंगे तब ये 1/8 बन जाएगा, 3/4 7/22 × 4/3 × 22/7 × 10 × 10 × 10 काट दो, कितना आएगा आर की क्यू का मान 125 आया। अब आर की क्यू का मान 125 है तो आर का मान कितना होगा 125 का घनमूल, आर का मान हो जाएगा 5 सेमी। अब छोटे गोले की जो त्रिज्या जो है वो कितनी हो गई 5 सेमी, 8 गोला जो बने उसकी त्रिज्या कितनी हो गई 5 सेमी के 8 गोले बन गए। अब प्रत्येक गोले का क्षेत्रफल यानी एक गोले का क्षेत्रफल 4πr इसको होता है 4×22/7×5×5, 5 को 5 से गुणा करो 25, 25 को 4 से गुणा करो 100, 100 को 22 से गुणा करो 2200/7 भाग लगा दो 314.2 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न देखो, नवा सवाल है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेमी है तो गोले का आयतन ज्ञात हो। अब यहां पर गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहले क्या ज्ञात करेंगे त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और फिर गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। ऊपर वाला सवाल दूसरा सवाल सेम का सेम है, ये दूसरा सवाल सेम का सेम दिया हुआ है, गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या पहले ज्ञात कर लो फिर गोले का आयतन ज्ञात करो। आप अपना आप कर लेंगे, गोले का क्षेत्रफल लिख लो बराबर कितना दिया हुआ है 5544, त्रिज्या ज्ञात करनी है, गोले का सूत्र लगा करके त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे फिर गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे, आप अपना आप कर लेंगे। देखो सवाल नंबर संख्या 10 क्या कहता है, एक शीशे के ठोस आयत फल की यानी आयत फल की माप 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी। एक आयत है यानी एक घनाद है, वो 66 सेमी लंबा है, 42 सेमी चौड़ा है और 21 सेमी ऊंचा है। ज्ञात कीजिए कि इसे पिघलाकर इससे 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। यानी एक घनाद को पिघलाकर, एक है घनाद को पिघला करके 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है घनाब को पिघला करके। देखो ये है ना, ये यहां देखो ये घनाब है, ये इस घनाब को पिघला करके कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, ये इस घनाब को पिघला करके ऐसे कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, बताओ क्या होगा। घनाब का आयतन बटा एक गोले का आयतन। संख्या जब भी पूछते हैं हमेशा भाग होता है, गोले से देखो घनाभ से क्या बन रहा है, गोला बन रहा है, तो घनाभ का आयतन बटा क्या हुआ एक गोले का आयतन।
घनाभ से यदि शंकु बनेगा तो घनाभ का आयतन बटा एक शंकु का आयतन है, यदि बेलन से शंकु बन रहा है तो बेलन का आयतन बटा क्या हुआ शंकु का आयतन बन रहा है, तो इससे क्या बन रहा है घनाभ से क्या बन रहा है गोला बन रहा है, इसीलिए घनाभ का आयतन बटा एक शंकु गोले का आयतन, घनाभ के आयतन में एक गोले के आयतन का भाग लगा दो गोलों की संख्या आ जाएगी। देखो घनाभ की लंबाई कितनी दी हुई है 66 सेमी, घनाभ की चौड़ाई कितनी दी हुई है घनाभ की चौड़ाई दे रखी है 42 सेमी और घनाभ की ऊंचाई क्या दी हुई है ऊंचाई दे रखी है 21 सेमी, ये 21 सेमी और गोले का व्यास, गोले का व्यास जो दिया हुआ है वो 4.2 सेमी दी हुई है, त्रिज्या आपको कितनी देगी 2.1 सेमी हो जाएगी। अब देखो ये घनाभ है, ये इस घनाभ से 66 सेमी गुणा 22 42 सेमी गुणा क्या 21 सेमी माप का ये घनाभ है, अब इसे ये 2.1 सेमी 2.1 सेमी व्यास 4.2 सेमी व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.1 सेमी से कितने गोले बनाए, गोली यानी गोला होता है गोली का दो छोटी गोली जो है तो क्या होता है गोला होता है, तो यानी आपको गोले की संख्या पूछी है तो आप यहां लिखो गोलियों की संख्या, यहां लिखो गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या अर्थात छोटे गोलों की संख्या, अब आप किससे बन रहे घनाभ से बन रहे तो आप यहां लिखो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बट्टा का चिन्ह और एक गोले का आयतन या एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, ये घनाभ के आयतन में एक गोली का आयतन का भाग लगा दो, घनाभ का आयतन बटा एक गोली का आयतन। अब बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, भाग का चिन्ह बटा का मतलब होता है भाग और गोली क्या होता है गोला होता है, तो 4/3 पाई आर की क्यूब, ये गोले ये एक गोली का आयतन है और ये घनाभ का आयतन है, हल कर दो कितना हुआ 66 × 42 × 21 भाग का चिन्ह 4/3 × 22/7 × 21/10 × 21/10 × 21/10 क्योंकि पॉइंट को हटा दो 21/10 लिख दो, अब इस ये भाग है इस भाग को गुणा बदलो, बदलो 66 × 42 × 21 गुणा का चिन्ह, अब ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आ जाएगा 10 ऊपर जाएगा 21 नीचे आ जाएगा 10 ऊपर जाएगा 21 नीचे आ जाएगा 10 ऊपर जाएगा 21 से नीचे आ जाएगा, अब काट दो देखो 22 × 22 / 66 21 21 × 42 21 से ये 21 कट गया 7 × 7 = 21 और 3 से ये 3 काट दो, काटो 2 × 2 = 2 × 4 और ये काट दो 2 × 2 = 2 × 5 = 10 अब 10 ने 10 से गुणा करो 100, 100 ने 5 से गुणा करो 500, 500 ने 3 से गुणा करो 1500, 1500 गोलियां बनेगी इसकी, यहां लिखो 1500 गोलियां, इसे 1500 गोलियां बनाई जा सकती है, इस घनाभ को पिघला करके ऐसी 1500 गोलियां बनाई जा सकती है। तो घनाभ की लंबाई 66 सेमी है, घनाभ की चौड़ाई 42 सेमी है, घनाभ की ऊंचाई 21 सेमी है, गोले का व्यास 4.2 सेमी है, गोले की त्रिज्या 2.1 सेमी है, तो गोलियों की संख्या घनाभ का आयतन बटा एक गोली का आयतन, घनाभ के आयतन में एक गोली के आयतन का भाग लगा दो, भाग को गुणा बदल दो और उसे काट दीजिए। अगर देखो क्या है सवाल नंबर संख्या 11 क्या कहता है 6 सेमी व्यास का एक गोला, 6 सेमी व्यास का एक है गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसे पानी है, 6 सेमी व्यास का एक गोला जो है 12 सेमी व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में जितने जिसमें पानी डाला जाता है तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, देखो सामने 12 प्रश्न संख्या 11 6 सेमी व्यास का एक गोला, 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में पानी उड़ेला जाएगा,
तो पानी जो है कितना ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखो ये 6 सेमी व्यास का गोला, ये 6 सेमी व्यास का गोला, ये 6 सेमी व्यास का गोला है। अब इसके अंदर 12 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में पानी डालेंगे इसका, तो अब ये पानी जो है ये कितना ऊपर चढ़ेगा ये बताना आपको, ये अब इसमें पानी जो है कितना ऊपर चढ़ेगा ये बताना है, यानी ऊंचाई आपको इसकी ज्ञात करनी है। तो गोले का आयतन कौन ले रहा है, बेलन ले रहा है। गोले का जो आयतन है वो कौन ले रहा है, बेलन ले रहा है। तो गोले का आयतन जो है, इसलिए वो गोले का रूपांतरण बेलन में हो रहा है, गोले का आयतन जो है वो बेलन में रूपांतरण हो रहा है, यानी गोले गोले का जो पानी था हमने बेलन में डाल दिया, इसका मतलब जो गोले का आयतन था वो बेलन ने ले लिया है। आप ये ध्यान रखेंगे गोले से बेलन बन रहा है, तो जितना गोले का पानी था वो बेलन ले रहा है, इसका मतलब गोले का जो आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर है। तो गोले का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन। मतलब इसमें तो भाग क्यों ले गया, कारण क्या था, इसमें तो क्या पूछ रही, गोलियों की संख्या पूछ रही, इसमें तो क्या पूछ रही, गोलियों की संख्या पूछ रही, इसमें क्या पूछा है, बेलन की ऊंचाई पूछी है। तो गोले के आयतन के बराबर जो है क्या होगा, बेलन का आयतन होगा। यहां लिखो गोले का व्यास, देखो गोले का आपको व्यास जो दिया हुआ है वो 6 सेमी दिया हुआ, ये 6 सेमी, तब गोले की त्रिज्या जो है हो जाएगी 3 सेमी हो जाएगी, और बेलन का व्यास, बेलन का व्यास जो है वो आपको दिया हुआ है 12 सेमी, और बेलन की त्रिज्या जो है वो हो जाएगी 6 सेमी, और बेलन की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। वो कह रहे हैं पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, पानी बेलन में कितना पानी ऊपर चढ़ेगा। आपको मालूम है घर में मान लो कोई गोला है, वो भर करके भरा हुआ पानी है, और उसको एक गिलास में डालना, फिर देखना गिलास में पानी कितना ऊपर चढ़ता है। तो यानी ऊंचाई पूछिए, लिख लो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर का ये चीज। अब गोले से क्या बन रहा है, बेलन बन रहा है, तो बेलन का आयतन यहां लिख लो, बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले के आयतन से बेलन का, गोले का जो आयतन है वो बेलन ले रहा है, इसीलिए गोले से बेलन में लिख दो। अब आप गोले का आयतन है 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर का चिन्ह, बेलन का आयतन है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये गोले का आयतन बन गया और ये बेलन का आयतन बन गया। हल कर दो, 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर कितना, 3 × 3 × 3 बराबर का ये चिन्ह, 22/7 गुणा आर कितना है, 6 × 6 × ये एच। अब इस एच को बाहर ले लो, इस एच को बाहर ले आओ, जब एच को बाहर आएगा तब ये संख्या बदल दो, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आ जाएगा, और 1/6 बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा गुणा का चिन्ह। हल कर दो, 4/3 लिख दो गुणा का चिन्ह, 22/7 लिख दो गुणा का चिन्ह, 3 × 3 × ये 3। अब इसको काट दो, अब काट देखो ये संख्या और ये संख्या हुई कट गई, काटो 3 से ये 3 काट दो, ये कट गया, 3 × 3 3 × 6 3 × 3 3 × 6 2 से काटो 2 × 2 2 × 4 2 × 2 एक बार, एच बराबर कितना हुआ 1 सेमी, 1 सेमी जो है पानी ऊंचा उठ जाएगा, इसमें 1 सेमी जो है पानी क्या होगा ऊंचा उठेगा, क्योंकि सारे कट गए ना, इसलिए 1/1 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 में 1 का भाग लगा दो 1 आ जाएगा, एच का मान जो है 1 सेमी, 1 सेमी जो है पानी बेलन में ऊंचा चढ़ जाएगा, यानी गोले को पिघलाकर पिघलाएंगे तो ये जो है 1 सेमी त्रिज्या 12 सेमी व्यास वाले बेलन में डालेंगे तो ये 1 सेमी जो पानी जो है ऊंचा चढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह दो, सैम का देखो 9 सेमी त्रिज्या के 9 सेमी की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव्य भरा हुआ है, किसे भरा हुआ है, अर्ध गोलाकार कटोरे में
द्रव्य भरा हुआ है, अर्थात अर्ध गोले का आयतन भरा हुआ है। इसमें 2 सेमी, इस द्रव्य को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई वाले छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। याद कीजिए, कटोरे के पूरे द्रव्य को भरने में कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। अब मान लो एक, मैं उदाहरण डालता हूं, घर में मान लो एक बाल्टी दूध से भरी हुई है, एक बाल्टी दूध से भरी हुई है और आपको छोटे छोटे शंकु में भरना है, तो कितनी आइसक्रीम भरे भरे जाएंगे, कौन शंकु होते हैं कौन, तो मान लो लिक्विड भरा हुआ होता है दूध का या लिक्विड भरा होता है आइसक्रीम का, उस बाल्टी से छोटे छोटे शंकु भरने, तो बताओ कितने शंकु भरे जा सकते हैं, क्या होगा, बेलन का आयतन बटा क्या होगा, एक शंकु का आयतन है। आप मान लो घर के अंदर मान लो एक अर्ध कटोरा भरा हुआ दूध से भरा हुआ पड़ा है, उसमें छोटे छोटे गिलास से भरनी, कितनी गिलास से भरी जा सकती है, अर्ध गोले का आयतन बटा एक गिलास का आयतन। अब मान लो अर्ध गोले में मान लो लिक्विड भरा हुआ है, उसमें बोतलें भरनी है, कितनी बोतलें भरी जा सकती है, अर्ध गोले का आयतन बटा एक बोतल का आयतन। जितनी भी संख्याएं पूछते हैं वो हमेशा भाग में आती है, लिख लो, अर्ध गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी दी हुई है, अर्ध गोले की त्रिज्या जो है वो 9 सेमी दी हुई है, ये 9 सेमी, अर्ध गोले की त्रिज्या जो है वो 9 सेमी दी हुई है, और अर्ध गोले की त्रिज्या 9 सेमी की त्रिज्या वाले अर्ध गोले कटोरे में द्रव्य भरा हुआ है। अब लिखो बेलन का व्यास, बेलनाकार बोतले है तो बेलन का व्यास कितना हुआ, बेलन का व्यास जो है वो हो गया 3 सेमी, ये 3 सेमी, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेमी हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी, और बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 4 सेमी है, ये 4 सेमी, 3 सेमी व्यास वाले 4 सेमी ऊंचाई वाले छोटे छोटे बेलनाकार बर्तन में भरना है, यानी बेलन का जो छोटे छोटे बोतले है, बेलन के आकार की होती है, आप देखा होगा बोतले जो आती है ये बेलन के आकार की होती है, तो कितनी बोतलें भरी जा सकती है, लिख लो बोतलों की संख्या, यहां लिख लो बोतलों की संख्या, बोतलों की जो संख्या जो होगी वो क्या होगी, बताओ अर्ध गोले का आयतन बटा एक बोतल का आयतन, अर्ध गोले का आयतन बटा एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन या एक बोतल का आयतन भी आप लिख सकते हो, एक बेलन का आयतन या एक बोतल का आयतन, क्योंकि बोतल क्या है, बेलनाकार है, इसीलिए एक बेलन का आयतन बन गया। अब अर्ध गोला क्या होता है, आधा गोला 2/3 πr³, ये अर्ध गोले का आयतन होता है, भाग का चिन्ह, और एक बोतल बेलनाकार है, यानी बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, अर्ध गोले का आयतन बटा एक बेलन का आयतन कितना हुआ, 2/3 πr³ भाग का चिन्ह πr² हो गया। अब हल देखो 2/3 गुणा का चिन्ह 22/7 गुणा का चिन्ह, आर कितनी यहां पर, ये 9 गुणा ये 9, ये भाग का चिन्ह लगा दो, और 22/7 गुणा का चिन्ह, अब देखो इसका आर का मान कितना है, ये 3/2 है, तो आप यहां लिखो 3/2 गुणा का चिन्ह 3/2 गुणा का ये चिन्ह कितना हुआ, ये 4। अब इसको हल करो, भाग को गुणा बदलो, कितना हुआ 2/3 गुणा का चिन्ह 22/7 गुणा का चिन्ह, ये 9 गुणा 9 गुणा ये 9 गुणा का ये चिन्ह लगा दो। अब ये 7 ऊपर ले लो और 22 नीचे ले लो, और 2 ऊपर ले लो और 3 नीचे ले लो, और 2 ऊपर ले लो और 3 नीचे ले लो, और गुणा का चिन्ह, और 1/4 बन गया। अब इसको काटो, काटिए ये और ये काट दो, ये काट दो। अब देखो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर ये 3 से ये 3 काट दो, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 एकम 2, ये कट गया। अब देखो ऊपर ये, देखो ये काट दो, काटो 3 एकम 3, 3 3 9, अब देखो ऊपर क्या रहा, ऊपर रहा 2, और देखो 3 दूनी कितना हुआ 6, और 6 को 9 से गुणा करो 54, 54 बोतलें भरी जा सकती है, 54 बोतलें, इसमें 54 जो है बोतलें भरी जा सकती है। तो अर्ध गोले से बेलन भर रहा है, तो अर्ध गोले का आयतन बटा क्या हुआ, एक बेलन का आयतन।